आज हम एक नए डिजाइन का पायदान बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमने ये देखिए 8 नंबर की सिलाई ली हुई है और हमने ये चुन्नी से पट्टी निकाल रखी है। सबसे पहले ये सिलाई पे एक नॉट लगाएंगे। हम इसमें सिर्फ तीन फंदे डालेंगे, तो एक नॉट लगाए ऐसे फंदा हो गया। ये देखिए 2 3, तो ये 3 फंदे हमने डाल लिए हैं। मैं आपको ये सीधा सीधा बना करके बता रही हूँ। दोनों साइड से इसमें उल्टा सीधा बुनना है। ये देखिए पट्टी को अपने साइड किया और ये जो बीच का फंदा है इस पे जाली बनाएंगे। ये देखिए वापस फिर पट्टी को अपने साइड किया और इस फंदे पे भी इस तरह से जाली बना लेंगे। तो देखिए जाली से ये फंदा बढ़ गया। हमने 3 फंदे डाले थे, अभी देखिए 2 2 4 1 5 फंदा हो गया। तो ये जो बीच का फंदा है इसके दोनों साइड हमें जाली बनानी है। ये हम सीधा उल्टा बुनेंगे। ये देखिए पहला फंदा उतारा, ये जो जाली का फंदा है इसको भी बुन लेंगे। आप इसे उल्टा उल्टा भी बना सकते हो, लेकिन मैं इसमें उल्टा सीधा पे आपको बता रही हूँ। ये देखिए पहला फंदा उतारेंगे, ये जो जाली बनाया था इस फंदे को बुन लेंगे, क्योंकि ये जो बीच का फंदा है इसके दोनों साइड हमें जाली बनानी है। तो देखिए पट्टी को अपने साइड किया, इस पर हमने ये देखिए इस तरह से पीछे को करते हुए जाली बना लिया। वापस फिर अपने साइड किया, ये देखिए ये जो बीच का सेंटर में फंदा है इसके दोनों साइड हमें जाली बनानी है। उल्टे साइड से कुछ भी नहीं करना है, पहला फंदा उतारेंगे, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना है। ये देखिए जो हमने बढ़ाया है जाली से फंदा, ये जाली जो बनाई है इस फंदे को भी हमने बुन लिया। ये देखिए इसको बनाना बहुत आसान है, मैं आपको सिंपल तरीके से बता रही हूँ। पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने साइड नहीं करना है क्योंकि हमें उल्टा उल्टा नहीं बनाना है, इसको हम सीधे साइड से सीधा बुन रहे हैं। तो ये देखिए एक फंदे से हमने शुरू किया था, अब ये 2, ये देखिए 3 फंदा हो गया। फिर ये जो बीच का फंदा है सेंटर में इस पर हमें जाली बनाना है, तो पट्टी को अपने साइड कर लिया। ये देखिए फिर इस पर इस तरह से जाली बना दिया। वापस फिर पट्टी को अपने साइड किया, फिर इस पर जाली बना दिया, क्योंकि ये जो बीच का फंदा है हमें जाली इस पे इसके दोनों साइड बनाना है। तो ये देखिए 1 2 3, 2 फंदा इस साइड बढ़ गया, 2 फंदा इस साइड बढ़ गया। हमने ये 3 फंदे डाले थे, तो अब देखिए 2 2 4 2 6 2 8 1 9 फंदा हो गया। पहला फंदा उतारा, इधर से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। उल्टे साइड से कुछ भी नहीं करना है। आप इसे माइक्रेम ऊन चुन्नी साड़ी या आपके पास कोई कपड़ा है आप उससे भी बना सकते हो। इसको बहुत बनाना बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बन जाता है। पहला फंदा उतारेंगे, ये देखिए अब 1 2 3, ये देखिए 4 फंदे हमने बना लिए। पट्टी को अपने साइड करेंगे, ये देखिए ये 1 2 3 जाली भी बन गए। अभी हम यहाँ पे ये चौथी जाली बना रहे हैं। ये देखिए वापस पट्टी को अपने साइड किया, फिर ये देखिए जाली बना लिया। तो अब ये 1 फंदा हो गया, 2 3 4, 4 फंदा इस साइड भी बढ़ गया, 4 इस साइड भी। उल्टे साइड से पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने साइड ही रखेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे।
पहला फंदा उतारा, ये देखिए, एक दो तीन चार पाँच। अब ये पांच फंदा हो गया, पट्टी को अपने साइड किया, फिर ये जाली बना लिया, वापस पट्टी को अपने साइड किया, ये जाली बना लिया, फिर ये एक फंदा हो गया, ये दो तीन चार पाँच, पांच फंदा हो गया। उल्टे साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे, बाकी के फंदों को इसी तरह उल्टा बना लेते जाएंगे। ये देखिए, पहला फंदा उतारने से ये किनारी कितनी सुंदर बन करके आ रही है, ये देखिए बिल्कुल बराबर आती है। देखिए पहला फंदा उतारेंगे तो ये एक फंदा हो गया, ये दो तीन चार चार फंदा हो गया। अब इस बार हमने ये पांच छह फंदे बुन लिए, पट्टी को अपने साइड किया, ये देखिए जाली बना दिया, फिर पट्टी को अपने साइड किया, फिर ये जाली बना दिया। बाकी इन फंदों को भी इधर के साइड ही सीधा सीधा बुन लेंगे, जैसे इस साइड बुना हुआ है दोनों साइड ही हमें ये सीधा सीधा बुनना है। उल्टे साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाना है। मैं ये डिजाइन आपको उल्टे सीधे बता रही हूँ, आप इसे उल्टा उल्टा भी बुन सकते हो। ये देखिए पहला फंदा उतारा, एक एक दो तीन चार पाँच छः, ये देखिए सात। अब पट्टी को अपने साइड किया और ये देखिए जाली बना लिया, फिर वापस पट्टी को अपने साइड किया, ये जाली बना लिया। बाकी फंदों को इसी तरह सीधा सीधा बुन लेंगे। उल्टे साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना करके कंप्लीट कर लेंगे। अब ये देखिए एक दो तीन चार पाँच ये छः जाली बन गई है। इसी तरह से तीन जाली और बना लेंगे। तो ये देखिए पहला फंदा उतारा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, पट्टी को अपने साइड किया, ये देखिए जाली बना लिया, वापस पट्टी को अपने साइड किया, फिर जाली बना लिया। बाकी सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे और उल्टे साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। इसी तरह से ये नौ जाली बना लेते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये टोटल नौ जाली बना ली है, एक दो, ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये देखिए आठ और ये नौ, नौ जाली हमने बना लिया। और टोटल देखिए हमारे पास कितने फंदे हो गए,
दो दो चार दो छः दो आठ दो दस बारह चौदह सोलह अट्ठारह बीस एक इक्कीस। ये हमने आठ जाली बनाया तो ये हमने नौ जाली बनाया तो नौ से अट्ठारह फंदे ये हो गए, तीन हमने स्टार्टिंग में डाले थे तो ये टोटल इक्कीस फंदे हो गए। अब हमने यहाँ जाली से फंदे बढ़ाए थे, हमें फंदे घटाने हैं दोनों साइड से, तो अब फंदे हमें बीस से नहीं घटाने हैं, हमने फंदे बीस से बढ़ाए हैं लेकिन हमें घटाना साइड से है। तो ये देखिए, ये दो फंदे हमने ले लिए ऐसे और ऐसे घटा दिया, ये देखिए एक फंदा घट गया, बाकी सभी फंदों को इसी तरह से सीधा सीधा बुन लेंगे। इसको बनाना बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाता है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बता रही हूँ। अब ये देखिए, इधर को तो हमने ऐसे घटाया था इस तरह से, तो इस तरह से घटाएंगे तो जैसे ये हमने यहाँ पे घटाया तो ये इस साइड को जा रहा है, अगर इस तरह से घटाएंगे तो ये भी इस तरह से आएगा, तो इस वजह से इसको ऊपर से नहीं करके हम नीचे साइड से ऐसे करेंगे। ये देखिए, अगर नीचे साइड से करेंगे तो जैसे ये फली इस साइड को आ रही है वैसे इधर का भी इस साइड को जाएगा। उल्टे साइड से हमें कुछ नहीं करना है, जैसे पहले भी हमने बताया था उल्टे साइड से उल्टा उल्टा बुनते जाना है। सीधे साइड से जैसे हमने पहले फंदा घटाया था वैसे ही हर बार एक एक फंदे घटाते जाना है, जैसे हमने जाली से दोनों साइड एक एक फंदा बढ़ाया था वैसे ही दोनों साइड से एक एक फंदे हमें घटाते जाना है। ये देखिए इस तरह से दो का एक करते हुए हमने फंदा घटा दिया है। स्टार्टिंग में हम इस तरह से ऊपर साइड से लेते हैं और ये लास्ट में हम इधर से पीछे साइड से लेंगे। ये देखिए, इस तरह से दोनों फंदों में से निकालते हुए फंदा घटा देंगे। ये देखिए, अब हमें दोनों साइड से एक एक फंदा घटाना है, तो ये देखिए इधर साइड से हम ये ऊपर से सिलाई को दोनों फंदों में डालेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए, ध्यान दीजिए, ऊपर से हमें दोनों फंदों में सिलाई को डाल के ये देखिए इस तरह से फंदे घटाना है। ये देखिए, बाकी सभी फंदों को ऐसे ही बुन लेना है। ये देखिए, पहले हमने एक फंदा घटाया था, एक फंदा और घटा दिया। ये देखिए, तो अब एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ये देखिए दस फंदा है। अब ये दो फंदा है तो इसको कैसे घटाना है, इधर हमने ऊपर से सिलाई को डाला था और इधर से देखिए ऐसे ऊपर को, ऊपर से नहीं, ये देखिए पीछे साइड से ऐसे डालेंगे। ये देखिए, तो अब ये ग्यारह फंदा है हमारे पास। हमने इसी तरह से ये देखिए दोनों साइड से एक एक फंदा यहाँ इस तरह से ये घटाया हुआ है, ये 11 फंदा बच गया। ऐसे ही दोनों साइड से एक एक फंदा घटाते जाएंगे। अब ये देखिए, ऊपर से हमने लिया है इधर साइड तो ये इस साइड को गया है, और हमने इसमें नीचे से लिया है तो इसका भी इस साइड को गया है। अगर ऊपर से लेते तो ये इस तरह इस साइड को आता, जैसे इधर को गया है तो इस इधर ऊपर से लिया है और इधर नीचे से, तो दोनों साइड ही एक जैसे आया, इधर का इस साइड को गया है और इधर को इस साइड का, और पीछे से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाते जाएंगे। क्योंकि ये हम उल्टा सीधा बुन रहे हैं
तो उल्टे साइड से उल्टा उल्टा बुनेंगे और सीधे साइड से सीधा सीधा बनाएंगे। ये देखिए सीधे साइड से सीधा सीधा, फिर ये देखिए दो का एक करते हुए हमने ये फंदा घटा दिए, फिर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, अब ये देखिए नौ फंदा, फिर दो का एक कर देंगे तो एक फंदा यहाँ घट जाएगा, तो ये नौ फंदा। इसी तरह से हर बार एक एक फंदा घटता जाएगा। देखिए उल्टे साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। उल्टे साइड से जब हम यहाँ पे जाली बना रहे थे जब भी कुछ नहीं करना था, अब ये फंदे घटा रहे हैं जब भी हमें उल्टे साइड से कुछ भी नहीं करना है। मैं ये छोटा बना करके बता रही हूँ, तो आपको मैं ये पूरा ही बना करके दिखा रही हूँ। अब ये लास्ट में हमारे पास तीन फंदा बच गया है, उल्टे साइड से जैसे उल्टा उल्टा बना रहे हैं वैसे ही बना लेंगे इसको। अब ये सीधे साइड से देखिए जैसे स्वेटर बनाते हैं, गले की फली बनाते हैं, उस तरह से इसको बनाएंगे। ये देखिए ये दो फंदे हम इस तरह से इस सिलाई पे ले लिए और इस फंदे को उतार के वापस इस सिलाई पे ले लेंगे। ये देखिए हमने इस फंदे को पीछे से इस सिलाई पे ले लिया, अब इन दोनों फंदों को इसी सिलाई के ऊपर हमने डाल दिया, तो ये तीन फंदे हो गए। ये देखिए तीनों फंदों को हमने इस तरह से कर दिया, तो ये फली जो है ऊपर को आ जाएगी। तो इस तरह से देखिए, अब इसमें भी हम ऊपर साइड से नहीं लेंगे, इधर साइड से हमें नहीं लेना है, इधर पीछे के साइड से तीनों फंदों में डाल करके हमें तीनों फंदों को घटा देना है। ये देखिए तो इससे इसकी शेप बहुत प्यारी आती है। ये देखिए अब इस फन इसके बीच में से पट्टी को निकाल करके कट कर देंगे। ये देखिए हमने इसमें से पट्टी को निकाल करके ये देखिए कट कर दिया यहाँ से। ये सीधा सीधा हमने बनाया है तो ये इस तरह से लिपट जा रहा है, लेकिन सिलाई करने के बाद ये नहीं होगा। अगर आप उल्टा उल्टा बनाओगे तो ये इस तरह से जो लिपट रहा है ये नहीं लिपटेगा। इसी तरह से दोनों साइड से अगर आप उल्टा उल्टा बनाओगे तो ये नहीं लिपटेगा। हमने इसको उल्टा सीधा बनाया, जैसे सीधे साइड से हमने सीधा बनाया और उल्टे साइड से हमने उल्टा बनाया, तो ये थोड़ा सा इस तरह से मुड़ जा रहा है, लेकिन सिलाई करने के बाद नहीं मुड़ेगा। ऐसे ही हमें तीन पत्तियाँ और बना लेनी है। तो मैं इसको दो कलर से बनाई हूँ, तो ये देखिए हमने दो पत्ती पिंक से बना ली है और दो वाइट से बना ली है। अब इसको देखिए कैसे सिलना है। ये देखिए एक पत्ती हम पिंक की रखेंगे, एक वाइट की रखेंगे, फिर एक पिंक की रखेंगे और एक वाइट की रखेंगे। तो ये बहुत प्यारा सा फूल का डिज़ाइन बन जाएगा। ये देखिए अब इसको इसी तरह से उल्टा कर लेंगे सभी को। ये देखिए इस तरह से उल्टा कर लेंगे, इस तरह से उल्टा करके सिलाई लगाना है। जब ये ऐसे सिल जाएगा तो ये जो फोल्ड हो रहा है मुड़ रहा है ये नहीं मुड़ेगा। इसके लिए देखिए हमने ये बड़ी सुई ली है और ऊन लिया है, आप इसके जगह मोटे धागे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पतले धागे से सिलाई टूट जाएगी। तो ये देखिए अब इसको हम सिलना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए जहाँ से हमने घटाना शुरू किया है वहाँ से इन दोनों को ही ये देखिए आपस में ऐसे पकड़ करके यहाँ से यहाँ तक इसके सिलाई लगा देंगे। ये देखिए जहाँ से हमने फंदे बंद किए उसके नीचे से,
हमने जो ये फंदे उतारे हैं इसमें ये फली से फली मिलाते हुए इसको सिलते जाएंगे। देखिए इस साइड बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। अगर आप इस तरह से इसको आपस में मिला करके सिलोगे तो पीछे साइड को सीधे साइड को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी सिलाई। इसी तरह से हम इन सभी को चारों को आपस में ज्वाइंट कर लेते हैं। देखिए ये हमारा प्यारा सा डोरमेट बन करके तैयार हो गया है फूल के डिजाइन का, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप इसे टेबल पर भी रख सकते हो। देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। आप इसका पायदान, पूजा आसन कुछ भी बना सकते हो। आपको ये पायदान की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।